Let's learn what is oxidation and what is reduction. Oxidation is loss of electrons. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसके वो वाले रिएक्टेंट या फिर कंपाउंड जिसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए हों या फिर खो दिए हों तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई होती है जबकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के वो वाले रिएक्टेंट या फिर कंपाउंड जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हों यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए हों तो उसकी रिडक्शन हुई होती है ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जबकि रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाइल रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जबकि रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्जाम्पल्स की हेल्प से सीखते हैं इस रिएक्शन में क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज की है और कॉपर में कन्वर्ट हो गया है इस तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है जबकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की है और वॉटर में कन्वर्ट हो गया है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है तो चलिए अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जिंक जो है जी ये जिंक के टाइन में कन्वर्ट हुआ है और इसने टू इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है इसके अलावा जी पहले जिंक पर जीरो चार्ज था बट टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद इस पर पॉजिटिव टू चार्ज आ गया इस तरह से जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है अब देखते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल इस रिएक्शन में कैल्शियम केटाइन टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया है और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से कैल्शियम के टाइम की रिडक्शन हुई है इसके अलावा अगर हम देखें तो कैल्शियम के टाइम पर पहले पॉजिटिव टू चार्ज था लेकिन टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद इस पर चार्ज ज़ीरो हो गया है इस तरह से कैल्शियम केटाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है For more such videos, subscribe my channel. Take care and bye bye.